भावना जी, अभी आपने बुलेट ट्रेन देखी, कैसा रिव्यू देना चाहेंगे? देखिए, ब्रेट की जो ये फिल्म है, इसका लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। सब लोग ये चाह रहे थे कि कब ये फिल्म आए, खासतौर पर यंगस्टर। जो ये फिल्म है, ये यंगस्टर्स को बहुत पसंद आएगी। बहुत अनप्रिडिक्टेबल जो बोलना चाहिए, वैसी फिल्म है। पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है, कहते हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जो बुलेट ट्रेन है, जो फिल्म में दिखाया गया है, उसमें देश नहीं, पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े माफिया और बहुत सारे जो भी बैड एलिमेंट्स हैं, वो एक साथ आते हैं और उनको लाने वाला वही था जिसकी सबको तलाश थी। तो उनको वो किस तरीके से करता है, कैसे हैंडल होता है, लास्ट में ये भी दिखाते हैं कि अब वो सब चीज़ें तो आप हॉल में जाकर ही एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल दहलाने वाली है। बिल्कुल कहीं भी आपको एक मिनट कुर्सी से बांधे रखेगी। एक एक सीन उसका जो कहना चाहिए, बिल्कुल आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या होगा और किस तरह से। इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं बहुत अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी तो खैर बहुत ही शानदार है और जो VFX वगैरह है उस पर भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी है। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन जो कहना चाहिए स्क्रीन प्ले है, वो उसमें थोड़ा सा बिखराव है। उसको समेटने में या उसका जब हम रिव्यू करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि किस तरह से रिव्यू करें। लेकिन एक शब्द में मैं ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल चौंका देने वाली कहानी है, कहीं आपको दूसरी जगह ध्यान भटकाती नहीं है। आप एक टक सिनेमा हॉल में बैठकर उस फिल्म को देखेंगे और ब्रैड पिट बहुत ही अच्छे लगे और ख़ास तौर पर उनके साथ जो दूसरे भी कलाकार हैं, उन लोगों ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। और इसमें वो जो एक फनी वाला और जो हीरोइन, एक तरह से कहना चाहिए हीरोइन तो नहीं, वो वैम्प थी, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो वैम्प है, बहुत इनोसेंट बन के बात करती थी और जिस तरीके का काम किया। बाकी सारे भी जितने भी आ सकते हैं, सबने अच्छा काम किया। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं इसको, क्योंकि इसका इसको जिस तरीके से कहानी को वीव किया गया है वो बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, तो मैं इसको 4 स्टार देना चाहूँगी। 1 स्टार इसलिए क्योंकि इसके जो स्क्रीन प्ले है वो इतना बिखराव भरा है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से कहाँ किसको कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहानी ही कुछ ऐसी थी कि ऐसा करना पड़ा। थैंक यू थैंक यू।